दोस्तों ली ट्रावेनियस टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया हुआ है। आज दोस्तों हम इस आईपीओ के बारे में जानकारी लेंगे, पर सिर्फ जानकारी ही नहीं दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से कैसे मैं खुद कोई भी आईपीओ की जानकारी लूं, मैं अपने आप ये जानूं कि क्या ये आईपीओ पैसे लगाने के लायक है, क्या इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ग्रोथ मिलेगा, क्या मुझे कंसिस्टेंट इनकम मिलेगी, क्या यही कंपनी है जो अच्छी है कि कोई और कंपनी इससे ज्यादा अच्छी है। इन सारी चीजों के बारे में हम खुद रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से दोस्तों जानकारी लेंगे। तो रेडी हो दोस्तों आप सब लोग? अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं हो जाए। ऑलराइट, सो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मैं कहां पे जाऊं दोस्तों? कोई भी कंपनी जब लिस्टेड होने को आती है तो वो आती है एनएससी और बीएससी के पास। ये एक्सचेंज पे दोस्तों शेयर लिस्ट होता है, जिधर से आप लोग खरीदते हो या आईपीओ भरते हो तो भी आप इन एक्सचेंज से ही आईपीओ भरते हो, तो एक्सचेंज के पास तो डेटा आता ही होगा। दोस्तों मैं सबसे पहले जाऊंगा कॉर्पोरेट्स में। कॉर्पोरेट्स में जाके मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं तो यहां पे मेरे सामने जितनी भी ऑफर्स है सब ऑफर्स आ गई। जैसे मैं देख पा रहा हूं कि ली ट्रावेनियस टेक्नोलॉजी का आईपीओ का प्राइस बैंड 88-93 रुपीस का है, यानी ये बुक बिल्डिंग है दोस्तों, ये फिक्स्ड प्राइस नहीं है यूनाइटेड कॉर्पफेब लिमिटेड जैसा। यूनाइटेड कॉर्पफेब एक फिक्स्ड प्राइस आईपीओ है 70 रुपीस, लेकिन ली ट्रावेनियस बुक बिल्डिंग है, यानी 88-93 की एक रेंज है, राइट। अब 10 तारीख से 12 तारीख का इश्यू पीरियड है, यानी इस ऑफर में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो आखिरी तारीख 12 तारीख है, राइट। पर इतने से क्या पता चलेगा दोस्तों कंपनी कौन सी अच्छी है? मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं अभी अगर मेरे सामने कई कंपनीज हैं मुझे किधर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये जानकारी लेने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूं। तो दोस्तों ली ट्रावेनियस टेक्नोलॉजी कुछ और डिटेल्स आ गई। लिस्ट होने के बाद इनका सिंबल क्या रहेगा? इक्सिगो। दोस्तों ध्यान रखें फेस वैल्यू 1 रुपए की है, मार्केट लॉट 161 का, तो आप गिन सकते हो 161 × 93, यानी करीबन 15,000 रुपए का ये आईपीओ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। अब ये तो बात हुई कि मैं कितने में इन्वेस्ट कर सकूं, लेकिन इन्वेस्ट करने लायक कंपनी है कि नहीं ये जानने के लिए दोस्तों यहां पे देखना जरूरी है। ये प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, क्लिक हियर आप करोगे तो सीधा प्रोस्पेक्टस दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा। तो क्लिक करके एक पीडीएफ ओपन हुई, अब वो पीडीएफ पे दोस्तों हम लोग जाएंगे जिसमें से हम पूरी जानकारी लेंगे। सो दोस्तों जब मैंने क्लिक किया तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपके सामने है, इक्सिगो नाम की जो कंपनी है दोस्तों, इनका आईपीओ। कुछ डिटेल यहाँ पे इन्होंने पहले पेज पे दी हुई है कि भाई ये ऑफर किस प्रकार की लाए है दोस्तों। फ्रेश एंड ऑफर फॉर सेल ये दोनों है, यानी फ्रेश इशू का मतलब कंपनी खुद फंड रेज करने वाली, 120 करोड़ रुपया कंपनी फंड रेज करेगी नए शेयर देके, तो ये 120 करोड़ रुपीस दोस्तों कंपनी के पास आएगा। पर उसके साथ दोस्तों ऑफर फॉर सेल भी है, यानी जो पुराने निवेशक है प्री आईपीओ जिन्होंने निवेश किया हुआ है, कई वीसी हो सकते हैं दोस्तों, उन्होंने जो शेयर लिए हुए हैं इस आईपीओ के जरिए वो लोग दोस्तों एग्जिट होंगे। तो ऑफर फॉर सेल करीबन 6.7 करोड़ शेयर की है, इतने शेयर हो सकता है ऑफर करे। ऑलराइट फ्रेंड्स, सेलिंग शेयर होल्डर कौन है वो डिटेल भी दी हुई है। अब सेफ पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड दोस्तों ये लोग 1.94 करोड़ शेयर्स ऑफर में देंगे। तो अलग अलग दोस्तों वीसीज है और प्रमोटर भी है दोस्तों जो लोग अपने कुछ शेयर्स को देके फंड रेज करेंगे। तो क्लियर रहो दोस्तों कि इस आईपीओ के जरिए कंपनी के पास 120 करोड़ आएगा जो कंपनी को ग्रोथ में काम लगेगा। उसके अलावा की एक बड़ी रकम पुराने प्रमोटर सेलिंग करके खड़ी करेंगे, राइट। दोस्तों इतनी जानकारी हमको मिल गई, मैं इसको और पेज डाउन कर रहा हूं। दोस्तों जब आप पेज डाउन करोगे एक टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा जो बड़े काम का है। इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैं जनरली जब भी कोई आईपीओ देखता हूं मैं देखता हूं समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। इसमें दोस्तों जब टाइम ज्यादा ना हो तो कम से कम समरी देख के भी आप जान सकते हो। तो पहले हम समरी पे जाएंगे जो 18th पेज पे है, सीधा मैंने क्लिक किया और हम समरी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट पे आ गए। मैंने डाउन स्क्रॉल किया तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे मिल रही है। जैसे सबसे पहले प्राइमरी बिजनेस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी धंधा क्या करती है दोस्तों। बहुत सी बार जो कंपनी के आईपीओ आते हैं उनके बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं होती, तो सबसे पहले ये जानकारी लेंगे दोस्तों। दोस्तों कंपनी का बिजनेस है, ये लोग दोस्तों इंडियन ट्रैवलर्स को एम्पावर करेंगे प्लान बुक और अपनी ट्रिप मैनेज करने के लिए, और इनकी सर्विस दोस्तों डाइवर्सिफाइड है रेल, एयर, बसेस, होटल्स वगैरह में। मतलब मैं एज अ ट्रैवलर हूं तो मैं ये कंपनी के द्वारा रेल, एयर, बस, होटल के बुकिंग ऑनलाइन दोस्तों कर सकता हूं। दोस्तों इसी इंडस्ट्री में इस ट्रिप प्लानर लिमिटेड भी आती है और यात्रा ऑनलाइन भी आती है। दोस्तों ये दोनों ही कंपनी के आईपीओ हमने
रिव्यू किए थे, आप वो आईपीओ भी देख सकते हो दोस्तों। तो ये दोनों भी इन्हीं की तरह की कंपटीटर कंपनी हुई, हम इनके डिटेल में जानकारी लेंगे। पर मोटा मोटा अगर हम ये समझे कि भाई इक्सिगो क्या करती है, तो इक्सिगो इज हैविंग सिमिलर बिजनेस लाइक ई ट्रिप प्लानर यात्रा और यू मे नो मेक माई ट्रिप। दोस्तों ये इंडस्ट्री कौन सी हुई, मैंने कंपनी की जानकारी दी, इंडस्ट्री की भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। ये एक इंडियन ट्रैवल मार्केट की कंपनी हुई और इस इंडस्ट्री में एयर, रेल, रोड और होटल, ये चार चीजों का अगर हम टर्नओवर मिलाए हैं तो भारत में ये इंडस्ट्री अभी 3.8 लाख करोड़ रुपए की है दोस्तों। आने वाले 5 साल में ये 9% कगार से ग्रो करेगी और करीबन 5.8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। तो मैं इस इंडस्ट्री से ग्रोथ कितना उम्मीद करूं दोस्तों, 9% का ग्रोथ तो अच्छी बात है दोस्तों। ऐसी इंडस्ट्री में ग्रोथ मिलेगा और मुझे इंडिया के जीडीपी से तो ज्यादा ग्रोथ की मैं यहाँ पे उम्मीद कर सकता, राइट फ्रेंड्स। ऑफर के बारे में हमारी ऑलरेडी बात होगी कि भी दोनों प्रकार की ऑफर है, पर ये फंड क्यों रेज कर रहे हैं वो भी डिटेल दी हुई है दोस्तों कि प्रोसीड से कंपनी के पास तो 120 करोड़ रुपए आने वाला है, बाकी तो प्रमोटर्स के पास जाएगा। वो क्या करेंगे वो हम पूछ नहीं सकते, पर कंपनी क्या करेगी वो डिटेल उन्होंने दी है दोस्तों। 45 करोड़ रुपीस का इस्तेमाल होगा पार्ट फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में, 26 करोड़ यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस इंक्लूडिंग क्लाउड एंड सर्वर होस्टिंग, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कस्टमर एंगेजमेंट। तो ये हुआ दोस्तों इनका पर्पस आईपीओ लाने। दोस्तों यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि जो सेलिंग शेयर होल्डर है, राइट, वो कितना शेयर सेल करेंगे, जैसे सेफ पार्टनर की हमने बात की दोस्तों, उनके पास कितने शेयर्स हैं और इस कंपनी में उनका कितना वेटेज है। जैसे सेफ पार्टनर्स 23% हिस्सा रखते हैं, पीक वीसी 15.7% का हिस्सा रखते हैं और इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग कंपनी का हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट दोस्तों। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका अभी का हिस्सा 23% है दोस्तों, सेल करने के बाद, राइट, ये लोग अपने आईपीओ में 5% हिस्से को सेल करेंगे, राइट। तो इनके 23.4 में से 5% दोस्तों हिस्सा निकल जाएगा जिसपे ये लोग फंड लेंगे, बाकी हिस्सा तो इनका कंपनी में एज इट इज रहेगा दोस्तों। मैं जब और डाउन स्क्रोल कर रहा हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मेरे लिए जो है वो है इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ईगल्स आई व्यू दोस्तों। ये मैं जरूर देखता हूं, जैसे फिगर इन्होंने मिलियन में दी हुई है, मैं आपके साथ करोड़ में पढ़ूंगा, क्योंकि दोस्तों आउट ऑफ इंडिया में ज्यादातर लोग मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पे बात करते हैं, भारत में हम लाख करोड़ की बात करते हैं दोस्तों। कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 21 में तो काफी कम था, पर 22 में इक्विटी कैपिटल 37 करोड़ का हुआ। अब जब ये आईपीओ लाएंगे, आईपीओ से भी थोड़ा बहुत 36 के बदले 38 करोड़ का दोस्तों इनका इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। नेटवर्थ आप देख सकते हो दोस्तों कंटिन्यू बढ़ती गई है, पर हम ये नहीं मान सकते कि ये नेटवर्थ जो 30 करोड़ की थी ये अभी 380 करोड़ की हो चुकी है दोस्तों। आईपीओ के समय पर हम 440 करोड़ की देख रहे हैं, पर ये जो नेटवर्थ है ये खाली प्रॉफिट कंटिन्यू करने से नहीं बढ़ी है। आपने अभी देखा कि बहुत से निवेशक यहाँ पे है, यहाँ पे कोई क्लियर प्रमोटर नहीं है, तो मल्टीपल इन्वेस्टर्स यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर की सीट पे है, ये हम समझ पा रहे हैं। तो जो 437 करोड़ का जो नेटवर्थ दिख रहा है वो ये सब इन्वेस्टर ने जब कंपनी में पैसा लगाया इसकी वजह से ये नेटवर्थ है, ये ध्यान रखें, राइट। तो जैसा ग्रोथ हुआ है वैसा ग्रोथ नहीं होने वाला है नेटवर्थ में। अब जबकि आईपीओ लाएंगे, आईपीओ से 120 करोड़ आएगा तो थोड़ी बहुत और नेटवर्थ बढ़ेगी, पर बाद में तो नेटवर्थ प्रॉफिट करेगी तो बढ़ेगी। धंधा दोस्तों यहाँ पे मैं देखूं, अब 138 करोड़ 2021 में, 385 करोड़ 2022 में, पर चलो ये तो दोनों साल हम कह सकते कोविड अफेक्टेड थे, तो ये था इनका रियल टर्नओवर। 2023 में 520 करोड़ का टर्नओवर हुआ और 2024 का यहाँ पे डेटा नहीं है, साल खत्म हो गया तो, लेकिन ये 517 करोड़ से तो अच्छा होगा, क्योंकि जितनी भी इनके रिलेटेड कंपनी है सबका ग्रोथ अच्छा हुआ है और इन्होंने भी 9 महीने में ही 498 करोड़ की फिगर पार कर दी, तो 3 महीने में दूसरा 100-150 करोड़ तो ऐड होगा कि नहीं, राइट। प्रॉफिट देखे तो 2022 में दोस्तों इन्होंने लॉसेस किए थे, ये ध्यान रखे दोस्तों, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी वाली नहीं है, राइट। तो ये इंडस्ट्री अच्छी होने पे ग्रोथ मिलेगा, पर मैं उम्मीद करूं कि यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलेंगे तो चैलेंजिंग टाइम पे लॉसेस भी आ सकते हैं दोस्तों। पिछले साल यानी 2023 में 23 करोड़ का बढ़िया प्रॉफिट किया है और ये साल के 9 महीने में 65 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, तो प्रॉफिट अभी अच्छे बढ़ रहे हैं, राइट। पर 2022 के ये फटके भी याद रखने पड़ेंगे। ईपीएस कंपनी का दोस्तों 2023 का 0.58 पैसा था, 2023 के ईपीएस से अगर मैं देखूं तो दोस्तों मैं अगर 93 के प्राइस से ये ईपीएस को डिवाइड करूं तो 150+ का दोस्तों इनका पी आता है, लेकिन ये 2023 का है, 2024 का पी है नहीं, तो वो तो गिनना पड़ेगा। आपके 9 महीने का दोस्तों ईपीएस 1.80 है, मैं 2024 का ईपीएस 2 रुपये का तो अंदाज रख सकता हूं। तो अगर पिछला साल का मैं लेटेस्ट ईपीएस देखूं जो डेटा नहीं है,
तो हम लिख के नहीं दे सकते यही होगा, पर अंदाजा अगर लगाए तो 93 डिवाइड बाय 2 इस केस में दोस्तों पी मेरा 45 हुआ, तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, फेवरेबल पी हम इनका कह सकते हैं, राइट। नेट एसेट वैल्यू जो बुक वैल्यू के करीब मानी जाती है दोस्तों ये 10 रुपया थी, क्योंकि नेटवर्थ बहुत बड़ी थी और अभी भी और थोड़ी नेटवर्थ बढ़ेगी। लेटेस्ट अगर 9 महीने के हिसाब से देखें तो 11.4 का दोस्तों बुक वैल्यू है, तो अगर 93 से डिवाइड करो 11.4 को तो दोस्तों 8 से 9 गुना आप प्राइस एनएवी के मुकाबले दे रहे हो, जो थोड़ा महंगा है, राइट। बोरोइंग दोस्तों, बोरोइंग काफी आप देख सकते हो, लेटेस्ट बोरोइंग 43 करोड़ की है, तो हम ये नहीं कह सकते कंपनी डेब्ट फ्री है। देखो अभी तक तो बड़ी लो डेब्ट होती थी, जैसे पहले डेब्ट थी 15 करोड़ की कोविड के समय पे, पर जैसे जैसे समय बीता कई नए निवेशक आए और ये फंड से डेब्ट कम हो गई, पर अभी वापस 43 करोड़ की डेब्ट है। 43 करोड़ की डेब्ट को मैं 4400 के नेटवर्थ से कंपेयर करूं तो मुझे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मिलेगा जो 10% जितना है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों फेवरेबल है, भले डेब्ट फ्री नहीं है पर रेशियो इज फेवरेबल, कोई चिंता की बात नहीं है, राइट फ्रेंड्स। देखो इतनी चीजों से मुझे कुछ क्लियरिटी आती है कि भी धंधा क्या है, इंडस्ट्री ग्रो करेगी इनकी नहीं, इस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी अच्छी है वो नहीं पता चला है, पर इस इंडस्ट्री में जो पर्टिकुलर कंपनी की मैं आज बात कर रहा हूं उनका डेटा कैसा है, ग्रोथ है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, पर इन्होंने लॉसेस भी किए हैं ये भी याद रखें, आईपीओ बिल्कुल अच्छे दाम पे नहीं दिया है, थोड़ा महंगा दिया है ये भी ध्यान रखें, तो आईपीओ खुलने के बाद आपको अच्छे दाम मिल भी सकते हैं ये भी दोस्तों ध्यान रखो। तो इतने देखो ये इंफॉर्मेशन एक ईगल आई व्यू के लिए बराबर, पर दोस्तों जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता हूं मैं इसको इन डेप्थ चाहता हूं, तो मैं अभी क्या करूंगा वापस से कंट्रोल होम करता हूं, राइट, वापस मेन पेज पे आ गया और मुझे इसकी कुछ और चीज चाहिए, मैं डाउन स्क्रॉल करके टेबल पे आ जाता हूं। टेबल पे आके मैं जा रहा हूं दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वैसे देख लिए बट स्टिल मैं डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना पसंद करूंगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, जब बैलेंस शीट देखते हैं दोस्तों बैलेंस शीट में हमारा ध्यान सीधा पहला जाना चाहिए इक्विटी और टोटल इक्विटी पे, तो वो तो चलो पता ही, हमने ऑलरेडी देख ली कि 37 करोड़ की इक्विटी है और 440 करोड़ की इनकी टोटल इक्विटी है। दूसरा ध्यान हमारा बोरोइंग पे जाना चाहिए कि भी कंपनी पे डेब्ट वेब कितनी है, वो भी दोस्तों चलो हम लोगों ने देख ली, राइट। हमने डेब्ट बोरोइंग देखी कि भी 43 करोड़ की है, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, ये सिर्फ कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग 43 करोड़ की है, राइट। तो ये हो सकता है कि ये तो निकल भी जाए आईपीओ के बाद, राइट। तो डेब्ट की बहुत चिंता नहीं है, वो देखो मैंने डिटेल में गया तो पता चला। लीज लायबिलिटी 3.5 करोड़ प्लस 3.3 करोड़ यानी 6 करोड़ की लीज लायबिलिटी है, हो सकता है इनकी कुछ ऑफिसेज लीज पे हो, ये भी हमने दोस्तों यहाँ पे देख लिया। ऑलराइट, तो बैलेंस शीट में कोई ऐसे प्रॉब्लम नजर नहीं आए। मैं और डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट आ गया, इनकम स्टेटमेंट हमने रेवेन्यू देखा जो बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट्स देखे जो इन्होंने बीच में एक बार लॉसेस भी किए वो भी हमको पता चला था, ईपीएस भी देख लिया, तो हमने मेजर चीजें जो इनकम स्टेटमेंट में थी वो तो देख ली, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। दोस्तों जब मैं कोई कंपनी देखता हूं तो मैं देखता हूं उस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, राइट। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे दिया हुआ है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पिछले साल का दोस्तों 30 करोड़ का है और ये 9 महीने में 15 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये भी ध्यान रखो कि इसके प्रीवियस दोनों साल ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था, तो ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग 22 करोड़ का पिछले साल था, क्योंकि दोस्तों हमने ऑलरेडी देखा कि कुछ इन्वेस्टर ने भी पैसा यहाँ पे लगाया हुआ था, राइट। आप देख सकते हो यहाँ है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट 54 करोड़ का कैश फ्लो वैसे आया था, तो ये सारी चीजों की वजह से दोस्तों आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉजिटिव था, पर वो हर बार नहीं होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग तो नेगेटिव रहेगा जैसे आप देख रहे हो, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये भी नेगेटिव था। अब तीनों को जब हमने टोटल किया तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है 50 करोड़ का, उसके प्रीवियस ईयर 2 करोड़ का पॉजिटिव था, तो ये अच्छी बात है अगर नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब मैं वापस से होम पे चला गया, चलो मैंने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ले ली, अब और कौन सी जानकारी लेंगे दोस्तों। अब मैं जाऊंगा सीधा यहां से दोस्तों बेसिस ऑफ ऑफर, एक काम की चीज है, तो मैं बेसिस ऑफ ऑफर पे आ गया। यहाँ पे दोस्तों उनके क्वालिटी फैक्टर दिए होते हैं कि क्यों मैं इनको 93 रुपीज पे करूं, तो देख लेने के दोस्तों क्वालिटेटिव फैक्टर की भी कंपनी क्या चाहना चाहती है, कि हमारे की पॉइंट्स क्या है, राइट। ये क्वालिटी फैक्टर से जो क्वांटिटी उभर के आती है, दैट इज फिगर्स में, डेटा में बातें, वो आपको दोस्तों क्वांटिटेटिव फैक्टर में मिलेगा। हमने ईपीएस ऑलरेडी देख लिया, राइट, तो अभी इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ईपीएस से पीवी भी डिराइव हुआ, मैंने बोला दोस्तों कि अंदाजे से 45 का पी हम मान सकते हैं ईयर क्लोजिंग का, इंडस्ट्री पीयर ग्रुप का इन्होंने पी दिया हुआ है, चलो वो भी अभी हम देख लेंगे।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोस्तों 6% का है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है दोस्तों। ये रिटर्न लेने के लिए थोड़ी ना हम इन्वेस्ट करेंगे, 6-7% तो एफडी में मिल जाता है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज नॉट सो मच अट्रैक्टिव, ये ध्यान रखें। एनएवी 11 की है, ये भी हमने बात कर ली। अब जरा पीयर कंपनी देख लेते हैं दोस्तों। पीयर कंपनी इनके जैसी जो लिस्टेड है उसमें एक आती है इजी ट्रिप प्लानर, जो 464 करोड़ का टर्नओवर करती है। तो यात्रा 398 करोड़, इजी ट्रिप 464 करोड़, और आपकी इक्सिगो जिनकी बात करें 420 करोड़। तो ये तीनों कंपनी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक जितने साइज की है इस इंडस्ट्री में दोस्तों। मेक माय ट्रिप सबसे बड़ी कंपनी और लीडर है इंडिया में, राइट, पर वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तो जो भी लिस्टेड पीयर्स है उनसे अगर हम कंपेयर करें तो उनके जितनी ही ये कंपनी हुई। अगर हम इनके पी को कंपेयर करें तो दोस्तों इस ट्रिप 55 का पी है, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इस ट्रिप ने बताई है, तो ये कंपनी ज्यादा प्रीफर कर सकते हैं हम। अब रिटर्न ऑन नेटवर्क देखो 36% का, तो मेरे पास अगर रिटर्न ऑन नेटवर्क 36 वाली कंपनी है तो मैं क्यों ये 5-6% पढ़ की जफा में पढ़ू। मैंने यात्रा ऑनलाइन का जब आईपीओ आया था तब भी यही रिकमेंड किया था कि भी इस ट्रिप प्लानर इज बेटर ऑप्शन। देखो मेरा पैसा इस ट्रिप में भी नहीं लगा हुआ है, पर मैं इक्सिगो में लगाऊ यात्रा में लगाऊ इससे बेहतर है इस ट्रिप में लगाऊ। ऑलराइट, अब थोड़ा और मैंने दोस्तों स्क्रोल किया तो मुझे की परफॉर्मिंग इंडिकेटर लिस्टेड पीयर्स के साथ दिए। देखो ये ऑनलाइन कंपनी है तो इसमें मंथली एक्टिव यूजर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, पर इनके पास दूसरी दो कंपनियों के नहीं है, कोई बात नहीं। ट्रांजेक्शनल वैल्यू नहीं है, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू में तीनों कंपनी सिमिलर है। ईबीआईटीडीए परसेंटेज में अगर हम देखें तो इस ट्रिप सबसे अव्वल है दोस्तों, कोई डाउट ही नहीं है। इसीलिए ये कंपनी पूरे समय में भी प्रॉफिट कर रही थी, जबकि ली ट्रेवल्स एंड इवन यात्रा ने दोस्तों लॉसेस किए थे। तो मुझे अगर निवेश करना है मैं ये आईपीओ क्यों भरूं जब मेरे पास इस ट्रिप जैसी अच्छी कंपनी है, राइट। सो दैट शुड बी क्लियर दैट व्हाट विच कंपनी इज बेटर, राइट दोस्तों। फिर मैं होम पे चला गया दोस्तों, मैं बीएससी इंडिया पे आया, और जब मैंने यात्रा ओपन करके मैं इनके पीयर ग्रुप को देख रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ पे यात्रा है पिछले साल 298 करोड़ का टर्नओवर, इज माय ट्रिप 481, और आईआरसीटीसी भी दी हुई है। देखो आईआरसीटीसी असल में इज माय ट्रिप और यात्रा से ज्यादा सॉलिड हुई, क्योंकि आईआरसीटीसी के पास सोल लाइसेंस है दोस्तों रेलवे का, और इज माय ट्रिप और यात्रा भी अगर रेल की बुकिंग करते हैं तो वो आईआरसीटीसी के माध्यम से ही करते हैं। तो आईआरसीटीसी के पास तो कुछ ना कुछ आना है दोस्तों पैसा, तो ये एक प्रीमियम लेके बैठी है दोस्तों। आईआरसीटीसी के बिजनेस डाइवर्सिफाइड है दोस्तों, कैटरिंग इनको बढ़िया टर्नओवर देता है, ये खुद ट्रेन भी मैनेज करते हैं। तो आईआरसीटीसी इज अ बेटर कंपनी, जिंदगी में इन्होंने जब से कंपनी लॉन्च हुई है कभी भी लॉस नहीं किया है। तो मेरी प्रायोरिटी पहली रह सकती है आईआरसीटीसी के ऊपर, और मैंने भी पैसा दोस्तों अगर इन्वेस्ट किया इस सेक्टर में, ये कौन सा सेक्टर हुआ, टूर ट्रैवल रिलेटेड सर्विस, तो आईआरसीटीसी में आईपीओ से समय से पैसा लगा हुआ है। हम क्या उम्मीद करते हैं इधर आईआरसीटीसी में दोस्तों, 15% का ग्रोथ मिलना चाहिए, कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलते रहने चाहिए, तो सस्टेनेबल अर्निंग में उम्मीद करूंगा, राइट। मैं आपको आईआरसीटीसी का चार्ट भी बता देता हूं, सी दिस इज द चार्ट फॉर आईआरसीटीसी। यू कैन सी फ्रेंड्स आईपीओ के समय पे, आईपीओ जो 125 रुपए से लेके करीबन 1100 रुपए का दाम चल रहा है, यानी कुछ ही समय में पिछले 5 साल में मल्टीपल ईयर रैली की है, पूरे समय में डिविडेंड दिए, पिछले 2 साल से नहीं चला है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी कैटरिंग में इनका बड़ा टर्नओवर है और कैटरिंग के प्रॉफिट अभी काफी डाउन है दोस्तों हाई फूड इन्फ्लेशन की वजह से। कोई चिंता नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये मल्टी ईयर रैली वाली कंपनी है, तो आई विल प्रीफर इंडियन रेलवे। साथ में दोस्तों जो अभी कुछ ही समय पहले यात्रा का आईपीओ आया, चलो यात्रा ऑनलाइन का भी चार्ट देख लेते, देखो आईपीओ खुला इधर चला मस्त वापस वही दाम पे आ गया दोस्तों। तो यात्रा मैंने वो टाइम पे भी बताया था, चलो अच्छी ब्रांड है अच्छी कंपनी है, पर टॉप प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, आईआरसीटीसी इज बेस्ट। और इन फैक्ट यात्रा से अच्छी दूसरी एक कंपनी है, उससे पहले मैं आपको यात्रा का एक रिवर्स लिस्टिंग है, राइट, नास्डेक में ये ऑलरेडी लिस्टेड है। तो यात्रा का अगर मैं ओवरऑल चित्र देखूं 2017 से, तो आप देख सकते हो दोस्तों वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है दोस्तों, कहा $10 से दोस्तों $1.5-$2 इनका दाम आ गया है। तो वर्ल्ड वाइड भी कोई बहुत खास इसने मजा नहीं कराई, राइट। अब इसको मैं अगर इज माय ट्रिप के साथ कंपेयर करूं जिसका अभी आईपीओ आया था दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों आईपीओ के बाद बढ़िया रैली की, राइट। दिस इज अ गुड कंपनी, कंसिस्टेंट इन्होंने प्रॉफिट किया है, तो कोई डर नहीं रहता है कि भी लॉस करेंगे, ऐसी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं दोस्तों, राइट। अभी करेक्शन में है, तो आप में से जो लोग टूर ट्रैवल रिलेटेड सेक्टर में पैसा डालना चाहते हो तो ये अच्छा टाइम है, ये टाइम पे लोगे तो वापस से ऐसी जो रैली आएगी उसमें जरूर फायदा होगा, ग्रोथ तो कंपनी का अच्छा ही है, राइट। दूसरी सबसे बड़ी जो कंपनी है दोस्तों इस सेक्टर में, दैट इज मेक माय ट्रिप। देखो मेक माय ट्रिप का भी चार्ट देखते हैं, मेक माय ट्रिप, राइट, दिस इज द लार्जेस्ट कंपनी इंडिया में, ये लिस्टेड नहीं है, पर इनका भी रिवर्स लिस्टिंग है सिमिलर टू
यात्रा। अब देख सकते हो दोस्तों, बरसों से 2010 से लेके 2023 तक 13 साल कंपनी एक रेंज में चली, पर अब जब टूरिज्म का मौसम आया है, अब देख सकते हो ब्रेकआउट दिया और रैली अच्छी कर रही है। तो यस दोस्तों, मेक माई ट्रिप में रैली है, हम उम्मीद इंडिया की इज माई ट्रिप से भी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में दोस्तों बढ़िया रैली करेगी, राइट। सो वेयर वी हैव इन्वेस्टेड, आई हैव डिस्कस्ड, वी हैव इन्वेस्टेड इन IRCTC, दिस इज अ डिस्क्लोजर, राइट। सो यहाँ पे हमने दोस्तों पीयर ग्रुप के चार्ट भी देख लिए। मैं वापस से दोस्तों आगे RHP पे और मैं यहाँ पे आके इंडस्ट्री ओवरव्यू क्लिक करूंगा। दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कंपनी चलेगी कि नहीं वो कंपनी से ज्यादा इंडस्ट्री पे डिपेंड है। अगर कंपनी इंडस्ट्री ग्रोइंग हुई तो आपकी कंपनी भी बढ़िया चलेगी। तो इंडस्ट्री ओवरव्यू पे जब मैंने क्लिक किया तो मुझे इंडस्ट्री के डेटा आते। दोस्तों इंडस्ट्री के डेटा आने से पहले पहले वो कंट्री के डेटा ये लोग देंगे आप, क्योंकि इंडस्ट्री तब बढ़ेगी जब कंट्री बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे इंडिया के कुछ डेटा दिए हुए कि इंडिया का रियल GDP ग्रोथ कैसा हो रहा है। ऑलमोस्ट दोस्तों 7-8% से रियल GDP ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे टॉप 12 कंट्रीज का डेटा दिया हुआ है कि भी टूरिज्म से GDP में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। आप देख सकते हो दोस्तों इंडिया में अभी भी बहुत ही कम GDP को ट्रैवल और टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये आने वाले समय में करेगा, क्योंकि अब दोस्तों ट्रैवल की जगह बहुत बढ़िया बनती जा रही है। अब दोस्तों ये टूर्स एंड ट्रैवल में स्पेंडिंग तब बढ़ेगा जब पैसा होगा लोगों के पास। दोस्तों यहाँ पे बढ़िया डेटा इन्होंने दिया हुआ है कि भी अब तक इंडिया में, जैसे 2005 का डेटा है, कि भी अगर भारत की टोटल पॉपुलेशन देखे तो 69+23% हाउस होल्ड कितने हुए, 79, 89, 92% हाउस होल्ड लो और लोअर मिड इनकम के ग्रुप में आते थे, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान के बाद कुछ बचता नहीं है। तो दोस्तों वो लोग टूरिज्म पे स्पेंड नहीं कर सकते। 2018 का डेटा देखे तो दोस्तों अब लोअर और लोअर मिड इनकम में दोस्तों संख्या घट चुकी है, यानी 43+33, 76% लोग लोअर और लोअर मिडिल इनकम में है। पर 2030 अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 51% लोग भारत में अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास में होंगे। तो यानी जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता जा रहा है, भारत में टूरिज्म में स्पेंडिंग जबरदस्त बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे, वो खर्च कर पाए। दोस्तों भारत का अगर पूरा टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर हम देखें तो टोटल मार्केट जो अभी हमने बताया दोस्तों कि 6,00,000 करोड़ पहुंचेगा, उसमें बड़ा चंक जाता है एयर ट्रेवल पे। एयर टूरिज्म दोस्तों 3,00,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी जो आज टोटल है। तो दोस्तों एयरलाइन पे दोस्तों फोकस करना चाहिए, और एयरलाइन में दोस्तों इंडिगो लीडर है, ध्यान रखें। दोस्तों दूसरा बड़ा खर्चा 1365 यानी करीबन 1.4 लाख करोड़ दोस्तों होटल पे होगा। होटल का लीडर है दोस्तों इंडियन होटल। और दोस्तों एक और खुश खबर है होटल में, कि जो ITC का जो होटल सेगमेंट स्प्लिट होने वाला है, तो अभी होटल सेगमेंट में स्पेशली इन्वेस्ट करना है तो ITC एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। दोस्तों ITC के हिसाब से वो डेब्ट फ्री है, तो यस डेफिनेटली दोस्तों हमारा भी ध्यान वहां पे है जब एक बार ITC अलग से होटल के शेयर देगी, राइट फ्रेंड्स। और 837 यानी 84,000 करोड़ दोस्तों रेल के पास जाएगा, तो ये रेल में तो IRCTC है। अभी के समय में दोस्तों भारत में जो मूवमेंट ऑफ पैसेंजर है दोस्तों वो सबसे ज्यादा है दोस्तों इंट्रा सिटी और मीडियम हॉल बसेस में। इसीलिए ये सारी कंपनीज दोस्तों आपको बस टिकट भी प्रोवाइड करती है, इंटरसिटी बसेस। अनरिजर्व्ड रेल भी दोस्तों एक बड़ा पोर्शन है, रिजर्व्ड रेल उससे छोटा है। फिर आता है डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, और सबसे कम होता है इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक। पर दोस्तों इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक में भले पैसेंजर की संख्या कम हो पर टिकट वैल्यू बड़ी होती है, सेम थिंग इन डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, तो इसको भी ध्यान रखें दोस्तों। और भारत में की ग्रोथ ड्राइवर अगर एयर, रोड और रेल के लिए है, टूरिज्म के लिए है, तो दोस्तों भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें जबरदस्त बदलाव हमने पिछले कुछ सालों में देखे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, न्यू हाई स्पीड कनेक्टिविटी हाईवे, बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रैवल, दोस्तों ये अच्छा होगा तब जाके तो लोग निकलेंगे घूमने को। उसी प्रकार से दोस्तों रेल में आपने बड़े चेंजेस देखे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी हाई स्पीड ट्रेन लाइक वंदे भारत, जबरदस्त रिस्पॉन्स है दोस्तों वंदे भारत का भारत भर में, बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रैवल लाइक वाईफाई कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट रेलवे स्टेशन पे हो रहे हैं दोस्तों। सिमिलरली आप एयर देखो दोस्तों, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंक्रीज रीजनल कनेक्टिविटी, दोस्तों कितने सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट बने ताकि रीजनल कनेक्टिविटी स्ट्रांग रहे। प्राइसिंग दोस्तों कंपिटिटिव है, और एयरक्राफ्ट के ऑर्डर में दोस्तों भारत की कंपनियां दोस्तों आज दुनिया भर में सबसे अव्वल है। ये सब चीज बताती है कि ग्रोथ तो यहाँ पे मिलना है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हो 2018 से 23 में जो नए एयरपोर्ट अनाउंस किए गए, ये पूरा लिस्ट है दोस्तों। पिछले 75 सालों में दोस्तों जितने एयरपोर्ट थे उतने दूसरे एयरपोर्ट पिछले 10 साल में दोस्तों नए आए, तो ये टूरिज्म को बूस्ट देगा ही देगा दोस्तों। आप देख सकते हो पूरा लिस्ट कहां कहां पे
कौन से ईयर से ऑपरेशनलाइजेशन है दोस्तों, लंबा लिस्ट है दोस्तों नए एयरपोर्ट का, और वर्क इन प्रोग्रेस एयरपोर्ट जो 2018 से 23 में अनाउंस हुए उनका भी दोस्तों बड़ा लिस्ट है, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भोगापुरम एयरपोर्ट, यू कैन सी द होल लिस्ट दोस्तों, ये जरूर बूस्ट करेगा दोस्तों आपके टूरिज्म। और दोस्तों इतने सारे जो एयरपोर्ट बने, ऐसा भी नहीं है कि खाली एयरपोर्ट बने और भीड़ नहीं, आप देख सकते हो दोस्तों कई टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री में कितनी ज्यादा दोस्तों टाइम्स ग्रोथ किया है दोस्तों। यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है भारत की फाइव इंडियन मल्टी मॉडल ओटीएस का, सबसे बड़ी पांच कंपनियां, जिसमें मैंने पहले ही बताया दोस्तों मेक माई ट्रिप दोस्तों लार्जेस्ट है, जिसमें दोस्तों बड़ा स्टेक गो आईबीबीयू का है, फिर इज माई ट्रिप जिनकी बात हमने ऑलरेडी कर ली, यात्रा, क्लियर ट्रिप, ऐसी मल्टीपल कंपनीज है, इन सबको अगर हम टोटल करें दोस्तों तो सबसे बड़ी अगर कोई कंपनी है तो वो है ओटीए वन जो लिखा है, दैट इज मेक माई ट्रिप, ये सारे से दोस्तों 10 गुना ज्यादा टर्नओवर इनका है, राइट। तो ये ध्यान रखें, मैंने अभी आप लोगों को इज माई ट्रिप बताया कि वो अच्छी कंपनी है, वो अच्छी है प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से दोस्तों, पर सबसे लार्जेस्ट दोस्तों मेक माई ट्रिप है, वो भी भूले नहीं, राइट। सो लार्जेस्ट इज मेक माई ट्रिप एंड बेस्ट इज माई ट्रिप, इनका नंबर इक्सिगो का दोस्तों कहीं लगता नहीं है, प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, राइट फ्रेंड्स। तो इन सारी चीजों के हिसाब से अगर मैं कंक्लूजन दू, क्या ये इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए, डेफिनेटली इंडस्ट्री में पैसा होना चाहिए क्योंकि इंडिया में टूर ट्रैवल बढ़ेगा। तो ये इंडस्ट्री के मेन बेनिफिशियरीज कौन सी कंपनी हुई, होटल में इंडियन होटल हुई, आईटीसी लिस्ट होने के बाद आएगी तो डेट्स ग्रेट, वो भी बहुत बढ़िया हुई, एयरलाइन में गिने तो इंडिगो हुई सबसे बढ़िया, यस इन्वेस्ट कर सकते, रेल में गिने आईआरसीटीसी हुई, पार्क्स में गिने वंडरला बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों पार्क्स में, और ऑनलाइन टिकट एजेंसीज में गिने तो इज माई ट्रिप अच्छी है, राइट। अब ये जो कंपनी है इक्सिगो, इनके भी टर्नओवर बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, आने वाले समय प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अच्छी रह सकती है, निवेश करना है कर सकते हैं दोस्तों, पर मैंने प्रायोरिटी बताई किधर रखनी चाहिए। वीडियो कंक्लूड करने से पहले दोस्तों बता दूं, आज हम सीखे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से डायरेक्टली डेटा कैसे चेक करें और कैसे हम अपने आप अंदाजा लगाए कि विच इज द बेटर कंपनी। मुझे उम्मीद है आज के सेशन से दोस्तों आईपीओ की कंपनी सीखने को मिली होगी। मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप ये पूरी ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में कहां पैसा लगाने वाले हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू दोस्तों एवरीबॉडी। जय हिंद।